लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के चलते दो दिन तक चिंतन होगा और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हारे हुए तमाम उम्मीदवारों से इस पूरे मुद्दे पर फीडबैक लेंगे, सभी से वन टू वन मुलाकात भी करेंगे। ये सिलसिला सोमवार से शुरू हुआ जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े सभी उम्मीदवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। जोधपुर उम्मीदवार वैभव गहलोत झुंझुनू से श्रवण कुमार ने फीडबैक दिया। श्रवण कुमार ने कांग्रेस नेताओं पर भीतरघात का आरोप भी लगाया है। वहीं वैभव गहलोत ने पांडे को बताया कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में नामांकन करवाने और साथ ही चुनाव प्रचार के अंतिम दो दिन जोधपुर आए। उन्होंने सभी लोकसभा सीटों पर सभी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि गहलोत सिर्फ जोधपुर में प्रचार की बात को विरोधियों की चाल बता रहे थे। वैभव ने यह भी कहा कि उन्हें पिछली बार से 1,35,000 वोट ज्यादा मिले हैं। आप भी देखिए क्या कुछ था, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और विशेष तौर पे किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, इन सबके ऊपर अच्छे से विचार विमर्श हुआ। हार की वजहों पर क्या चर्चा हुई, सभी चीज़ों को संगठन को आगे कैसे मजबूत करना है, विशेष तौर पे जोधपुर के संदर्भ में उन सबके ऊपर चर्चा हुई। हार के कारणों पर कारण क्या रहे, कारण क्या रहे क्या नहीं रहे, ये तो संबंधन होगा, पर अभी हमसे मुझसे तो केवल किस तरह से और मजबूती करनी है, किस तरीके से जनता के बीच में और मजबूती के साथ खड़े रहना है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को बुलाया गया था, और हार के कारण क्या रहा, जहाँ तक हमारा दौसा का सवाल है, राजस्थान में पूरे में दौसा लोकसभा क्षेत्र सबसे कम मतों से मात्र 77,000 मतों से हारी थी, और उसका मूल कारण यह रहा था कि हमारे उस दिन आखिरी के सावे थे और ग्रामीण क्षेत्र में आखिरी की भयंकर